हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी 2023 का जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को चार शिफ्टों के अंदर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो लिया गया था और लगभग 2 से 2.5 महीने का जो समय है वो बीत गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एचएसएससी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट फाइन मैं दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपको 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच, 10 से 15 फरवरी के बीच आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर डीवी का रिजल्ट कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों, लगभग चांस ये है कि आपका जो डीवी का जो रिजल्ट है, लगभग चांस ये है कि आपका जो डीवी है वो नहीं आने वाला। जैसा कि 2018 के अंदर इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी किया था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभागों ने करवाई थी, वैसे ही ये जो रिजल्ट है वो देने वाले हैं। फिलहाल जो वेट है दोस्तों वो है हमारा 31 जनवरी का, 31 जनवरी का वेट है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 31 जनवरी को कोर्ट के अंदर हियरिंग है और 5 नंबर है उसको लेके अभी जो मामला है वो कोर्ट के अंदर है कि वो अदर स्टेट को मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। तो 31 जनवरी को कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद दोस्तों ये डायरेक्ट फाइनल जो लिस्ट है वो लगाने वाले हैं, कोई भी डीवी वगैरह शायद एचएसएससी है वो नहीं लेने वाली। तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो रिजल्ट आपको 15 फरवरी यानी 15 फरवरी के आसपास का मतलब है 10 से 15 फरवरी को ये डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आपको दे सकते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। फिलहाल बात करें दोस्तों स्कोर कार्ड की, अगर स्कोर कार्ड की हम बात करें तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो हो सकता है दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन स्कोर कार्ड और रिजल्ट आपका साथ में ही जारी कर दिया जाए, स्कोर कार्ड और रिजल्ट। या दोस्तों ये हो सकता है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिजल्ट से लगभग 10 दिन पहले ही आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ, जो आपका स्कोर कार्ड है वो जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। स्कोर कार्ड की हम दोस्तों बात कर रहे हैं स्कोर कार्ड की, तो आपको जनवरी लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, इससे पहले शायद स्कोर कार्ड भी ना आए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।